उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं के बीच की जंग अब सामने आ रही है। तरह तरह के दावे, तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन रही। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में होने वाला परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि उसकी आंच मुख्यमंत्री तक आ जाए? क्या संघ और मोदी ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले किस तरह परिवर्तन किया जाए ताकि जनता के बीच संदेश सकारात्मक जाता है? उत्तर प्रदेश में अब वो हालात बन चुके हैं कि सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों के बीच आपस में जंग छिड़ चुकी है। क्या है कयास और क्या है सच्चाई, इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की बयार में तरह तरह की खबरें बह रही और ये सारी खबरें सरकार और सत्ता से जुड़ी हुई। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से नेतृत्व को लेकर कभी कोई सवाल उठा नहीं, लेकिन अब चुनाव नजदीक है और प्रदेश में जो सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से मंथन चल रहा है, तो प्रश्न और कयास उठाया जाना तो लाजमी है। प्रदेश की सत्ता को लखनऊ में बैठकर समझने वाले लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और जो सच्चाई है वो अब छन छन कर सामने आ रही है। दरअसल समस्या बहुमत की नहीं है, न समस्या इस बात की है कि कितने विधायक योगी आदित्यनाथ से रुष्ट हैं, नाराज हैं या जनता नाराज है। दरअसल कहानी सत्ता के बीच में बैठे हुए लोगों के बीच। सच्चाई समझने के लिए आपको 2017 के चुनाव से पहले जाना होगा। 2017 से पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जमीन से शिखर तक का सफर तय किया। उसके पीछे अगर किसी की सबसे ज्यादा मेहनत थी या भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय जिस नेता को सर्वाधिक मिला था वो थे केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति सबसे ज्यादा मायने रखती है। पिछड़ों का 17% वोट पूरी तरह से निर्णायक है भारतीय जनता पार्टी की जीत। अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन यहां तक सब ठीक था, लेकिन समस्याएं जब सामने आई वो आई सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में, यानी केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच। सब कुछ सही नहीं है, इसकी खबरें पिछले 1.5-2 साल से लगातार आ रही। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह का माहौल प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जितना बड़ा हो चुका है, उस बीच अब जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उसके सामने समस्या ये है कि वो किस तरह से पिछड़ों को साधे और सीएम योगी का चेहरा भी बनाए रखे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर खतरा है, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर रत्ती भर भी खतरा नहीं है। दरअसल कहानी केवल इस बात की है कि जो सत्ता में बैठे उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ताकत सीएम के समकक्ष होनी चाहिए, उनको सत्ता में बराबरी का हक मिलना चाहिए। बस यही हक पिछले 4 सालों से ना तो प्रदेश में पिछड़ों को मिला और ना पिछड़ों के नेता। अब चुनाव से पहले आपस में संघर्ष ना हो, इसीलिए उस फॉर्मूले को खोजा जा रहा है ताकि जो सामंजस्य है वो बना रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को जो आमंत्रण दिया है वो ये है कि आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान फिर से संभालें और सत्ता योगी आदित्यनाथ को चला लें। लेकिन ये बात भी अभी तक बन नहीं पाई। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि प्रदेश में सत्ता में संतुलन जब तक नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी में मंथन चलता रहे और इस मंथन में सबसे अहम भूमिका कोई निभा रहा है तो वह अरविंद कुमार शर्मा, एके शर्मा। वही एके शर्मा जो गुजरात से उत्तर प्रदेश लाए गए, जो बीआरएस लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। और ये चर्चाएं उस वक्त भी चली थी जब वो उत्तर प्रदेश आकर एमएलसी चुनाव लड़े थे। कयास ये भी है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की कुर्सी भी खतरे में, क्योंकि वो राजनीति में होने के बावजूद
चुपचाप रहकर अपना काम करने वाले नेताओं में से हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाने वाले भी कम। लेकिन सामंजस्य बनाने के लिए उनकी कुर्सी भी छीनी जा सकती है। अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे समस्या ये है कि वो चुनाव से ठीक पहले अगर प्रदेश की सत्ता में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो इसकी आंच कहीं ना कहीं उठ सकती है, क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है और कुछ मंत्रियों को कुर्सी से हटाया भी जाना है, क्योंकि चुनाव नजदीक होने की वजह से मंथन लंबा खिंच रहा है। खबर यह है कि प्रदेश में अब दूसरे सप्ताह में, जून माह के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और इसमें जो सबसे बड़ी खबर आएगी वो यही होगी कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जो लोग इस तरह के कयास लगा रहे हैं कि सीएम योगी की कुर्सी पर आंच है, तो वो महज एक अफवाह है और ये बात आने वाले समय में साबित भी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सत्ता में ये संघर्ष क्यों पैदा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? क्या चुनाव से पहले भाजपा में कोई बिखराव दिख सकता है? क्या पीएम मोदी और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा है, या फिर मीडिया वे बजे खबरों को घुमा फिराकर पेश कर रहा है? तो सच ये है कि सब कुछ ठीक तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार आवाजें उठ रही हैं, भाजपा के अपने ही नेता, मंत्री और विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, तो तय है कि स्थितियां सामान्य तो नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि उनके खिलाफ आवाज उठाना भी अब पार्टी के अंदर मुश्किल हो रहा है। तो अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बस यही सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है कि योगी के इर्द गिर्द सारे नेता समाविष्ट हो जाएं और पिछड़ों को भी ये संदेश मिले कि पार्टी में उनकी भागीदारी अभी भी उतनी मजबूत है जितनी 2017 से पहले। ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी एक ऐसा चेहरा तलाश रही है जो ब्राह्मणों के बीच दमदारी के साथ जा सके और उनके वोट को भाजपा के साथ बनाए रख सके। उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी रंग पर हमारी पहली नजर है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।